मतलब मुझे बड़ी स्पेशियस लग रही है कार। मैं काफ़ी सारी कार्स में बैठा हूँ, मैं इनोवा में बैठा हूँ, मैं फॉर्चुनर में बैठा हूँ, मैं GLS में बैठा हूँ, एस क्लास में और जैगुआर में देखी हुई है मैंने ये। तो इसके अंदर ये जो है ये कम्प्लीटली रिक्लाइनर बना देता है। एंड ये मैंने खोल लिया, यहाँ पे एक TV लगा हुआ है जो 24 इंचेस है। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली, लॉकडाउन में क्या चल रहा है? तो लॉकडाउन में मेरा तो बहुत बुरा चल रहा है क्योंकि मेरी रिब्स में पेन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। मतलब ऑल्दो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि घर का काम मैक्सिमम से मैक्सिमम करता रहूँ, तो आजकल मैं झाड़ू भी लगा रहा हूँ, आजकल मैं पोछा भी लगा देता हूँ, आजकल मैं बर्तन भी धो देता हूँ, कुछ कुकिंग भी कर लेता हूँ, और गेम्स तो चल ही रहा है। कुछ नई प्रैक्टिस चल रही है कि गेमिंग सेशन चालू करें, उसके लिए आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। पर कुछ एक चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग आने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे, वो रिजॉल्व करने में हम लगे हुए हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे, मतलब कल शाम को 5 बजे मैं लाइव आ सकता हूँ। उम्मीद पूरी है, मैं कोशिश पूरी करूँगा आने की, कमिटमेंट नहीं है। तो देखते हैं आप लोगों का कितना प्यार मिलता है और उस टाइम अपन कितनी बातचीत कर पाते हैं एक दूसरे से गेम खेलते हुए। तो DP एंड टाइटल से तो समझ में आ ही गया होगा कि आज अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी कार, अगर मेरे को एक ऐसी कार चाहिए हो जिसको मैं एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च जैसे यूज़ करने वाला हूँ, कि मतलब हर टाइम पे उसको कोई ना कोई चला रहा है, कोई शॉफर या ड्राइवर चला रहा है और मेरे को पीछे बैठना है, और एक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जिसको मैं एज ए 5-स्टार होटल का एक लॉन्च सलून, एक प्रॉपर रिक्लाइनर चेयर, एक मूवी हॉल, उसको मैं कैसे भी यूज़ करना चाहूँ, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाहूँ, तो मैं मज़े करता हुआ जाना चाहूँ। तो ऐसी कोई कार चाहिए हो तो कौन सी कार आप लेना चाहेंगे और मैं कौन सी कार सजेस्ट करूँगा? तो आज अपन बात कर रहे हैं एक ऐसे सेगमेंट की जो है MUV, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। मतलब आप इस व्हीकल को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो दो कार्स, एक जो लोगों की फेवरेट है दैट इज़ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, और दूसरी जो न्यूली लॉन्च हुई है दैट इज किया कार्निवल लिमो। तो एक कार आती है कंपनी से कम्प्लीटली रेडी, दैट इज किया कार्निवल लिमो, पर्टिकुलर लिमो मॉडल बोल रहा हूँ, जो करीब करीब मोटा मोटा 40 लाख रुपए के अंडर में आता है। तो मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हर जगह पे प्राइस अलग अलग है। एंड सेकेंड हम कंपेयर करेंगे इनोवा क्रिस्टा को, तो क्रिस्टा में बहुत सारे मॉडल आते हैं बट वो लिमो में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, कंप्लीटली आप उसको लॉन्च बना सकते हो। उसका एक कंप्लीट वीडियो देखना हो, डेडिकेटेड वीडियो तो ऊपर काट आ गया, वो आप देख लेना, और अभी मैं बेसिक फर्क दिखाता हूँ आपको। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ कार के बिल्कुल सामने, एंड दिस इज किया कार्निवल। अगर लुक्स की बात करूँ तो आगे की जो ग्रिल है ये बड़ी डिफरेंट लग रही है, बहुत स्पेशल लग रही है, इट्स अ बिग ग्रिल। एयर वेंट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, कार में हीटिंग इशू कभी भी नहीं आने चाहिए। नॉर्मली वैसे भी आजकल की कारों में हीटिंग इशू कभी आते भी नहीं है। नीचे यहाँ पे एक ब्लैक पोर्शन और है, यहाँ पे ये LED फॉग लैंप्स दोनों साइड पे, एंड जो हेडलाइट्स हैं ये प्रोजेक्टर हेडलैंप्स हैं, तो कंप्लीट LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स। यहाँ पे किया की बैजिंग एंड यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स, तो अच्छी लग रही है एक्चुअली। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट लुक अच्छा है कार का, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, पसंद आ रहा है। सो हियर इज द कार, दिस इज इनोवा क्रिस्टा। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, ब्रांड न्यू मतलब कार बस शोरूम से निकली और सीधी यहाँ पे आ गई, चली भी नहीं हुई, मुश्किल से 20-30 किलोमीटर चली हुई होगी या 50-100 किलोमीटर। तो इनोवा के अंदर काफ़ी सारे मॉडल आते हैं और काफ़ी सारे मॉडल के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं, अलग अलग मतलब उसके हेडलाइट्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, किट्स में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये पर्टिकुलर जो इनोवा मैंने दिखाई है ये वाला बिल्कुल बेस मॉडल है, क्योंकि इनको कम्प्लीटली एज अ लॉन्च यूज़ करनी थी जिन्होंने ये कार बनवाई थी, एंड जब उनको लॉन्च ही यूज़ करनी है तो उनको फीचर्स ज़्यादा नहीं चाहिए थे कार के अंदर, उनको फ्रंट जो सिटिंग थी जहाँ पे ड्राइवर ने बैठना था या शॉफर ने बैठना था, तो उनको वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स या फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए थी। पीछे का ऑलरेडी कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, तो वो चेंजेस अब आप देख लें। तो भाई अगर किया के पीछे के डोर की बात करें तो डोर उसका बहुत स्पेशल है, स्पेशल मतलब कि एक तो वो बहुत वाइड ओपन है, तो वाइड ओपन इसलिए क्योंकि उसमें शटर लगा हुआ है, एंड शटर इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपको उसको हाथ से खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बटन दबाओ और वो इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर है और काफ़ी वाइड तरीके से खुलता है। ऑल्दो अगर आपको एक 7-सीटर कार चाहिए हो तो दिस इज द ओनली ऑप्शन विद द लीमो सीट्स, मतलब एक रिक्लाइनर सीट्स के साथ में अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए हो तो सिर्फ यही ऑप्शन है, वो फिर इनोवा नहीं है। बट अगर आपको बैठना है सिर्फ 2 जने पीछे
तो डेफिनेटली एक इनोवा अच्छा ऑप्शन है। तो पहले तो आप ये वाली कार। तो गाइस मैं बैठ गया हूँ कार के अंदर एंड बिलीव मी देयर इज अ लॉट ऑफ लेग स्पेस। ये सीट अभी आगे हुई है। ओके सो ये एक्चुअल में यहाँ तक आ गया, इवन इतना सा गैप रह गया तो काफ़ी ज़्यादा गैप है इसके अंदर। ये देखो ये पीछे चला गया ना। सो दिस इज द फाइनल गैप जो पूरा मुझे मिल रहा है। एंड उसके बाद ये ओके सीट आगे पीछे करने के लिए। सो दिस इज द लास्ट वेयर आई कैन गो आई बिलीव। और देख लेते हैं। हाँ दिस इज द लास्ट। मैं बिल्कुल परफेक्टली बैठा हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं हो भी नहीं सकता अगर एक मैं कार सीट के अंदर हूँ। तो इसके अंदर ये जो है ये कम्प्लीटली रिक्लाइनर बना देता है। एंड ये मैंने खोल लिया एंड अब वाओ पैरों की पोजिशन देखो मेरी, बिल्कुल परफेक्टली बैठा हूँ मैं, पैरों में पैर डाल के आराम से। एंड ये मैंने थोड़ा सा और पीछे कर लिया तो मेरे ख्याल से तो मैं इसके अंदर सो भी सकता हूँ। अच्छी चीज़ है कि सीट बेल्ट आप इजीली लगा के, ये जैसे मैंने सीट बेल्ट लगा ली और अब मैं सो सकता हूँ, तो आई विल बी सेफ। सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है क्योंकि कंपनी व्हीकल है, ARAI सर्टिफिकेशन को चाहिए होता है तो ये सब करना ही पड़ता है। एंड सीट को हम नॉर्मल कर लेते हैं, वापस सीधे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे है रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम जो कंपनी से आता है, सो दैट्स अ गुड थिंग कि ये कंपनी से ही लगा हुआ आता है। बट अगर आपकी कार में नहीं है तो आप यहाँ पे लगवा सकते हो, मतलब ऑटोमार्क। तो ड्यूल रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों आप अलग अलग इंजॉय कर सकते हो अपना हेडफोन लगा के। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे एक ये फैन स्पेस है जो डायरेक्ट मुझे हवा दे रहा है। एंड देन यहाँ पे ये वेंट्स हैं जो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, जो भी आप मैं क्लाइमेट कंट्रोल करना चाहूँ, जितना मेरे को टेम्परेचर पीछे चाहिए मैं उतना कर सकता हूँ। यहाँ पे दो लाइट्स, तो ये कुछ इस तरीके की है, LED लाइट्स हैं जो ऑलरेडी लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये स्मार्ट प्योर एयर। एंड देन यहाँ पे दो कप होल्डर्स, यहाँ पे आप दो कप इजीली रख सकते हो। साइड में अगर मैं बात करूँ तो ये जो बटन है, अगर इस बटन को मैं दबाऊँगा तो ये शटर खुल जाएगा। शटर मतलब ये वाला डोर खुल जाएगा। तो डोर देखो कितना वाइड है ये, दिस इज़ अ वेरी वाइड डोर। मुझे तो लगता भी नहीं था कि इसका ये ग्लास खुलता होगा, बट ये कम्प्लीटली इतना बड़ा ग्लास खुलता है। एंड दैट्स अ गुड थिंग भाई, बहुत बड़ा है ये, बहुत रूमी लग रही है गाड़ी। एंड इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है कि कर्टन कंपनी से ही दे दिया गया है। अगर आप कर्टन लगा लोगे तो थोड़ा सा और कम्फर्टेबल फील करोगे, जैसे ये कर्टन ऑलरेडी लगा दिया है मैंने। एंड एक्चुअल में मतलब मुझे बड़ी स्पेशियस लग रही है ये कार। मैं काफ़ी सारी कार्स में बैठा हूँ, मैं इनोवा में बैठा हूँ, मैं फॉर्चुनर में बैठा हूँ, मैं GLS में बैठा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब ये सेगमेंट मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा डिफरेंट सेगमेंट है, और वैसे भी ये फर्स्ट इन क्लास है इस प्राइस में, ये वाले अगर इस सेगमेंट की बात करें तो। भाई यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ही मैं इसको या तो ये बटन दबाऊँ या इसको मैं इधर कर दूँ तो ये खुल जाएगा। वाओ ये खुल गया डोर। एंड अब मैं इसी हैंडल को अगर मैं इधर कर देता हूँ तो ये बंद भी हो जाएगा। इवन मैं ये बटन भी दबा सकता हूँ, वन सिंगल प्रेस बटन, एंड ये सेम काम हो जाएगा। तो यहाँ पे है बॉटल होल्डर, बॉटल मतलब एक कंप्लीट फुल साइज बॉटल यहाँ पे आ जाती है, सेम इस साइड पे भी है। तो सीट्स के ये सारे कंट्रोल, कंट्रोल मतलब अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये सीट आगे पीछे करने के लिए, इसको खींचता हूँ तो ये थाई सपोर्ट और लेग सपोर्ट के लिए, देन इसको अगर मैं खींचता हूँ तो ये सीट इधर उधर करने के लिए। तो इसमें सीट इधर उधर भी हो जाती है, मतलब अगर आपको बीच में गैप ज़्यादा चाहिए हो तो वो भी कर सकते हो। तो पीछे चलते हैं, ये घुस गया भाई मैं अंदर। तो अभी आ गया मैं लास्ट रो पे। लास्ट रो की सीट भी ऑनेस्टली बताऊँ तो इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल। मतलब डेफिनेटली नॉट आगे जैसी ये जो सीट थी, ये जो सेकेंड रो जैसी तो मैं नहीं कह सकता, बट इट्स कम्फर्टेबल। ईजीली दो बड़े बंदे कंफर्टेबल, मतलब 5'8" 5'9" हाइट के भी इजीली बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, दो बॉटल अगेन होल्डर्स, सेम यहाँ पे दो बॉटल होल्डर, और यहाँ पे ये AC वेंट्स, और यहाँ पे ये लाइट्स विथ हैंडल्स, और अगेन यहाँ पे भी कर्टन्स दिए हुए हैं। तो भाई कंपनी ने अच्छी खासी वर्किंग की है इस कार पे, 40 लाख रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इतनी ज़बरदस्त वर्किंग करना। इसको अगर ये लेमो कहते हैं तो ये एक्चुअली लेमो वाले फीचर्स तो नहीं कह सकते, बट लेमो वाला साइज़ ज़रूर है ये। MUV अगर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में देखूँ तो मैं ये एक्चुअली लेमो वाला ही साइज़ है कि स्पेस ही स्पेस है गाड़ी के अंदर। तो भाई अब आपने किया तो देख ही लिए, बट किया में क्या फीचर्स एंडलेस थे। तो अगर पर्टिकुलर
किया सिर्फ पूरी प्रॉपरली देखनी हो तो वीडियो बना हुआ है, वीडियो देख लेना, कार्ड आ चुका है। अच्छे से अगर किया कार देखनी हो तो वो देख लेना। एंड अब देखो इनोवा जो तैयार की गई है एक लॉन्च पे। ओ तो यहाँ पे मुझे एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही है एंड यहाँ पे ना एक बड़ा अलग सा कुछ लिखा हुआ है, दैट इज लेक्सा, LEXA। तो लेक्सा मीन्स इस कार का जो नाम है ना वो है लेक्सा। दिस इज नॉट इनोवा, दिस इज लेक्सा नाउ। तो ये बन गई है लेक्सा एंड बहुत डिफरेंट लग रही है। तो यहाँ पे डोर पैनल्स अगेन कम्प्लीटली पूरे ये ट्राई फोर कलर हुए, 1, 2, 3, 4 कलर हुए एंड विद एम्बिएंट लाइटिंग। यहाँ पे एक कर्टन भी है तो ये कर्टन मैंने लगा दिया तो थोड़ा सा प्राइवेसी बेटर हो जाती है कार के अंदर की। एंड दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेड फैब्रिक, अच्छा सा बना हुआ है और बहुत सॉफ्ट है, बड़ा इजी टू यूज़ है। देन अब यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में ये पूरा डैश जैसा दिख रहा है, डैश मतलब जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए डैश ही है। तो यहाँ पे एयर फ्लो वेंट्स, यहाँ पे एयर फ्लो वेंट जो आगे के एसी और पीछे के एसी को कंप्लीट बराबर कर देते हैं ताकि पीछे वाला कैबिन भी पूरा कूल हो जितना होना चाहिए। यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है जो 24 इंचेस है एंड दिस इज़ अ बिग टीवी, एलजी का है। अब यहाँ पे ना मुझे बड़ा एक प्रीमियम सा कुछ नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट कारपेट, यहाँ प्लास्टिक, ये एक बहुत ही अच्छा कारपेट, वाओ। एंड देन रिक्लाइनर सीट्स, वाओ दैट समथिंग क्रेजी। तो अंदर बैठ ही जाते हैं, बहुत देर हो गई। तो ये रीडिंग लाइट जला दी, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग पूरी ऊपर से लेके यहाँ तक। यहाँ पे लिखा हुआ है AGM, AGM मतलब ये जिस कंपनी ने कार बनाई है दैट इज AGM। ओ वाओ, तो दिस इज समथिंग क्रेजी, मतलब आगे पूरा ऐसे टीवी चल रहा हो, इतने आराम से बैठ के एक सफर कर लो, क्या मजेदार है ना। मतलब इस ऐसी एक कार होना तो मतलब मैं 2-3 हज़ार किलोमीटर भी जा सकता हूँ। आगे बिठा दो ड्राइवर, उनको बोलो शफल कर दो भाई, पहले एक चला लो फिर दूसरे चला लो, फिर पहले चला लो फिर दूसरे चला लो, मैं पहले इस चेयर पे फिर इस चेयर पे फिर इस चेयर पे फिर इस चेयर पे, मतलब मज़ेदार हो जाए ना सफ़र, मज़ा आ जाए ऐसा कुछ हो जाए तो। खैर एनीवेज थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ कार को, काफ़ी सारे फीचर्स और हैं कार के अंदर, वो भी थोड़े एक्सप्लोर तो करने बनते हैं ना। तो भाई अब कार के अंदर बात करें तो ये फ्लोरिंग, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे ये दो कैबिनेट्स, एक कैबिनेट जो काफ़ी बड़ा है भाई, इट्स अ ह्यूज कैबिनेट। तो यहाँ पे दो कैबिनेट्स हैं कार के अंदर जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। यहाँ पे एक ही बहुत ही प्यारी सी एनालॉग क्लॉक जो बड़ी अच्छी फीलिंग दे रही है, नॉर्मली मैं एस क्लास में और जैगुआर में देखी हुई है मैंने ये। साइड में डोर पैनल्स में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे कर्टन है, ऊपर ऑलरेडी आप देख चुके हो एसी वेंट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देन नीचे से भी हवा पूरी ये यहाँ से आती है बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं साइड में, तो साइड पॉकेट्स, ओके यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। साइड पॉकेट में यहाँ पे बॉटल होल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा आप सामान रख सकते हो। देन यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा होल्डर है, इधर आप कोई बड़ी थोड़ी सी चीज़ रख सकते हो, दो आराम से मोबाइल आ सकते हैं, ये देखो आराम से मोबाइल आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पे दो बटन्स, तो दो बटन्स मतलब एक जो ये पीछे वाली सीट को रिक्लाइन करते हैं और एक ये वन टच है, तो ये मैंने वन टच किया और ये खुलना चालू हो गया। तो यहाँ से ये जब तक, ये देखो मेरा पैर ऊपर होना चालू हो गया। ओ भाई पहले भाई बड़ी फुल स्पीड में ऊपर जा रहे हैं, तो मैं ये ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ये एसी का फ्लो, ये रहा, अरे वाह एसी ऑन हो गया, वैसे ही इतनी गर्मी बैठे। चलो पीछे से भी इनोवा में कहीं से हवा आती है, मुझे नहीं पता कहाँ से आती है। एंड सेम यहाँ पे भी ड्यूल पॉकेट, ड्यूल मतलब दो बॉटल की पॉकेट, एक साइड में काफ़ी बड़ी पॉकेट। देन सेम जैसे ये रिमोट लगे हुए हैं वहाँ पे मोबाइल भी लगा सकते हो। एंड अब यहाँ पे कुछ एक फीचर है, ये टीवी ऑन एंड ऑफ, अच्छा जी के, ओ माय गॉड। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है कि अमेजोन की फायर स्टिक, अरे दिख जा भाई, अमेजोन की फायर स्टिक इस टीवी पे लगी हुई है, मतलब आप अमेजोन देख सकते हो भाई, ये लिखा हुआ आ गया अमेजोन, लिखा हुआ आ गया भाई। तो अमेजोन की फायर स्टिक इसी में ऑलरेडी लगा रखी है टीवी में, तो उससे अच्छा है। यहाँ पे ये रेडियो के सारे फीचर्स, प्ले म्यूट, देन यहाँ पे डायरेक्टली ये USB लग सकती है, वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑन ऑफ, सर्च, USB, अच्छा USB भी डबल है, अरे वाह, नहीं ये USB चार्जिंग वाली है, ओके। यहाँ पे एक ऑक्स भी है और ये एक छोटा सा जो चीज़ है ना ये, दिस इज माइक,
तो इसमें पीछे अच्छी खासी बैगेज की जगह भी है, ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर एक लॉन्च बन गया तो जगह खत्म हो गई, अच्छा खासा बूट स्पेस भी। तो इसमें एक और अच्छा फीचर है कि आपको जैसे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे टीवी है, बट आपको कार चलती हुई नज़र आए, मतलब आगे ड्राइवर स्टेयरिंग और बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपने को दिखता है पीछे से व्यू, बिल्कुल वैसा ही व्यू दिखेगा। तो ये बिल्कुल सेम व्यू है कि ये स्टेयरिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आगे का फ्रंट इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे का डैशबोर्ड और ये कंप्लीट आगे का व्यू, आप ऐसा भी कुछ देख सकते हो कैमरा ऑन करके। तो भाई अब आ जाते हैं बूट स्पेस पे, क्योंकि अगर आपने ट्रेवल करना है और आपके पास एक लॉन्च जैसी कार है जिसपे आप कंफर्टेबली बैठ के ट्रेवल करना चाहते हो, तो नॉर्मली वैसे लॉन्च अगर दोनों कार्स में देखें तो वो सिर्फ दो दो सीट्स ही हैं, जो अगर किया में बात करें तो मिड सीट्स हो गई, और अगर इनोवा में जिसपे कंप्लीट कस्टमाइज किया गया उसमें देखें तो पीछे की दो सीट्स हो गई, तो दो बैक की एटलीस्ट आपको जगह चाहिए, तो एक बार बूट स्पेस। तो दिस इज इलेक्ट्रिक बूट, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बूट ओपन होती है, एंड अभी इसमें सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं स्पेस दिखा देता प्रॉपरली। तो लुक एट द डेप्थ, ये देखो जी ये कितना डेप्थ है। तो यहाँ पे इजीली अगर ये सीट्स नॉर्मली खुली हुई भी हैं तो भी ये प्रॉपरली आप यहाँ पे दो बड़े आराम से बैग रख सकते हो, बहुत ही आराम से फुल साइज बैग आ सकते हैं। एंड एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि 60-40 सीट स्प्लिट हो जाती है, मतलब आप एक सीट को भी स्प्लिट कर सकते हो सामान रखने के लिए हाफ, एंड अगर आप इन दोनों को स्प्लिट कर देते हो तो ये कम्प्लीटली एक फ्लैट बेड बन जाता है। तो फ्लैट बेड मतलब बहुत सारा सामान आप इजीली रखते हो अगर आप इसको एज अ फोर सीटर कार यूज़ करते हो तो। तो ये आ गया बूट स्पेस, एंड बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट है, दो बैग्स आराम से आ सकते हैं, कम्फर्टेबली आप ट्रेवल कर सकते हो दो बैग बड़े लेके, तो बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट। एंड अब कार दिखा देता हूँ एक बार ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से क्या फुल व्यू मिल रहा है, वाओ। तो भाई टर्बो फैमिली की या अगर किसी को भी ऐसी कोई कार लेनी हो तो उसकी क्या चॉइस होगी, वो कौन सी कार लेना चाहेगा? तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जो इनोवा इसके अंदर जो मॉडल यूज किया गया था वो करीब करीब 27-26 लाख रुपए का आता है ऑन रोड, एंड अपग्रेडेशन का जो कॉस्ट था वो था करीब करीब 6-7 लाख रुपए। तो 26 लाख रुपए एंड 7 लाख रुपए समवेयर मेरे ख्याल से हुए 33 लाख रुपीज। तो आप 33 लाख रुपीज खर्च करके एक प्रॉपर लॉन्च वाली फीलिंग लेना चाहोगे विद अ फोर सीटर कार, तो फोर मतलब एक्चुअली पीछे की सीट सी काम आने वाली है, टू सीटर मान लो, या आप 40 लाख रुपए खर्च करके एक कंपनी से बनी बनाई गाड़ी लेना चाहोगे। तो अगर मेरी चॉइस हो तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इनोवा लेके और उसको तैयार कराऊंगा, क्योंकि इनोवा एक तो आफ्टर सेल्स में बहुत ही बेटर है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं काफ़ी सारे, आफ्टर सेल्स में इनोवा बहुत ही बेटर है, सेकेंड इनोवा की रीसेल बहुत अच्छी है, थर्ड इनोवा जो अंदर लॉन्च बना हुआ है वो बहुत ही प्रीमियम है, और सब कुछ वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक है विद वारंटी, डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है जो उनको बना रहे हैं AGM जो कंपनी है तो वो कम्प्लीटली वारंटी दे रही है उस पर, एंड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है। मैंने DC की कार्स भी देखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि DC की कार्स बनाई हुई बुरी होती हैं, बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ DC की और इनकी क्वालिटी में तो इनकी क्वालिटी बहुत बेटर लगी मुझे। एंड उसके बाद अगर मैं अब किया की बात करता हूँ तो किया में सब कुछ मैनुअल था, मतलब सीट्स वगैरह कम्प्लीटली मैनुअल थी। अगर आप लॉन्च की तरह उसको यूज़ भी करते हो, मतलब सीट को कम्प्लीटली रिक्लाइन करके पीछे बैठते भी हो, तो भी आगे से पैर आगे वाली सीट पे हल्के से टकराते हैं, जो मेरी हाइट पे टकरा रहे थे। मेरी हाइट 5'7" है, अगर कोई 5'9" 5'10" या 6 फीट का बंदा बैठेगा तो रिक्लाइनर सीट को प्रॉपरली वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो भाई अब किया के प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जैसे इनोवा के प्लस पॉइंट्स से वैसे किया के भी प्लस पॉइंट्स हैं। तो किया के प्लस पॉइंट्स, अगर आप उसको खुद ड्राइव करते हैं तो आगे से बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है वो, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, भरी हुई है वो गाड़ी फीचर्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, एंड कहीं ना कहीं अगर फ्रंट सीटिंग की बात करें या लास्ट रो सीटिंग की बात करें तो 7 सीटर है, ये एक प्लस पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक डोर्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, वो एक बेटर चीज़ है उसके अंदर। लुक्स वैसे सब्जेक्ट टू हैं, मतलब पर्सनली सबके व्यूज होते हैं, बट इनोवा थोड़ा सा आउटडेटेड लुक हो गया है, किया थोड़ा सा फ्रेश लुक है। तो हर चीज़ के अगेन प्लस एंड माइनस होते हैं, तो आपकी क्या चॉइस रहेगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।